सपा ने पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग व अन्य 16 सूत्रीय मांगों को लेकर किया भव्य विरोध प्रदर्शन। बाराबंकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज समाजवादी पार्टी प्रदेश के सभी मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी पर पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जमकर गुंडागर्दी व धांधली करने की आर्थिक, सामाजिक व कानूनी व्यवस्था में पूरी तरह असफल रहने का आरोप लगाते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। बाराबंकी में भी कचहरी स्थित गन्ना संस्थान परिसर में समाजवादी पार्टी ने सदर विधायक सुरेश यादव और जैदपुर विधायक गौरव रावत ने नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए महामंत्री राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी नवाबगंज अभय पांडे को सौंपा। इस दौरान CO सदर राम सूरत सोनकर कई थाने की फोर्स के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखते में तैनात दिखे। ज्ञापन में प्रमुख मांगे पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ती मूल्य वृद्धि, पंचायत चुनाव में हुई बड़े पैमाने पर धांधली, काले कृषि कानून की वापसी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न रोकने, पत्रकारों पर हो रहे हमले व हत्यारों पर रोक, महिलाओं के ऊपर हो रही अपराधों पर रोक, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे अत्याचार आदि। सदर विधायक सुरेश यादव ने लोगों को राम राज्य का सपना दिखाकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी पर सरकार चलाने में पूरी तरह से नाकाम होने का आरोप लगाते हुए देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चुनाव में एक महिला के साथ हुई चीरहरण की घटना की बहुत ही शर्मनाक बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। वहीं जैदपुर में विधायक गौरव रावत ने कहा है कि समाजवादी पार्टी शांतिपूर्वक तरीके से क्षेत्र जनपदों प्रदेशों में जाकर सरकार का काला चिट्ठा खोलने का कार्य करेगी। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी प्रदेशवासियों को इस सरकार के जोर जुल्म और तानाशाही के रवैये से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर सदर विधायक सुरेश यादव, जैदपुर विधायक गौरव रावत, जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद, युवा सपा नेत्री नेहा सिंह आनंद सहित सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, तब से इनकी गुंडई, भ्रष्टाचार, जाने क्या क्या नारा देते आए थे और पूरे प्रदेश में इन्होंने अराजकता फैला दी। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। और देखा जाए तो अभी ये जो चुनाव हुआ है, इसमें तमाम प्रमुख चुनाव में या जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इन्होंने जितना हो सका की पराकाष्ठा, जिसकी सोच, जिसकी सीमाएं नहीं है, उतनी उदंडता की है और सरकार का दुरुपयोग किया है। तमाम चीजें हैं। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर तहसील में ये कार्यक्रम प्रदर्शन का हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र उजागर करने का कार्यक्रम है। पूरी तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ जाने कितना दुर्व्यवहार और जाने कौन कौन सी सीमाएं तोड़ी जा रही हैं, जिसमें इसकी कल्पना नहीं कर सकता जनता कर सकती है कि प्रजातंत्र में क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। क्या मांग क्या है? मांगे हमारी बहुत सी हैं, जैसे डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कृषि बिल माफ करो, और इसी तरह देखा जाए तो ये जो अभी पंचायत के चुनाव में धांधली की गई है, तमाम गुंडई की, इसकी जाँच बैठाई जाए। तमाम ऐसी मांगे हैं जिसपे हम लोग पूरी तरह से प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। चुनाव में किस तरह की गुंडई की गई? बहुत तरीके गुंडई की गई, कहा नहीं एक तरीका आपने नहीं, आपने भी देखा, आप ही के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए। अपने यहाँ का बहुत कुछ हुआ, यहीं आप मसौली ले लीजिए। मसौली में क्या नहीं, हमारे यहाँ अगर देखा जाए, नेहा आनंद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, उसके स्कूल में जाने कितनी बार नोटिस उसको दबाया गया। बंकी में भी हैसियत नहीं थी इसलिए वो नहीं कर पाए। आगे किस तरीके से इसका विरोध करेंगे आप लोग? बस हम लोगों, आप लोगों ने देखा, इसी तरह शांतिपूर्वक हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों को बताएंगे और जो सरकार के द्वारा छलावा किया जा रहा, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सबके साथ जो किया जा रहा जनता समझ गई और 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तब जाके हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो सकेगा जो रुका हुआ है। डीजल पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है उसको लेकर आप क्या करेंगे आगे? उसको मैं यही कहूंगा, आपने अभी पूर्व जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे उन्होंने खुद ही अपना जो स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग इसलिए रोज बढ़ा रहे क्योंकि हमको राशन देना है, तो मियां की जूती मियां की चांद वाला काम कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम था आज का, तय क्या था? हमारा लोगों का यही तय था कि शांतिपूर्वक सरकार का विरोध करना, जो उन्होंने गुंडई भ्रष्टाचार करके ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और तमाम हमारे BDCO को जो प्रताड़ित किया गया है, हमारे मसौली ब्लॉक में
यहाँ भी हमारे ग्राम नरेश यादव जी हैं BDC, उनका स्कूल गिराने का काम किया गया, लेकिन हम लोग मौजूद वो मौके पर पहुंच के तब जाके प्रशासन पीछे हटा।